करेंगे, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी की कार्यवाही के दौरान हुए बवाल के बाद दिल्ली की सियासत फिर से गर्मा गई है। कमला मार्केट थाने के बाहर से धरना दे रहे आप नेता को पुलिस ने हटा दिया है। प्रदर्शनकारी बीजेपी पर एफआईआर दर्ज करने पर अड़े थे, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दरअसल कल एमसीडी की कार्यवाही के दौरान जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में मारपीट हुई, उसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को और खास तौर पर लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए, गालियों की बौछार की। बीजेपी के आरोपी की मारपीट की शुरुआत आम आदमी पार्टी की आतिशी के इशारे पर हुई है। वहीं महिला पार्षदों की मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो एक दूसरे पर हमला करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले बताएं कि अपडेट क्या है, क्योंकि लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि एफआईआर दर्ज करने को लेकर किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी बीजेपी पर एफआईआर दर्ज करने पर अड़े हुए थे, वहां से क्या तस्वीर, क्या अपडेट? देखिए, अभी की बात की जाए तो देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अब चुनाव सोमवार के लिए स्थगित किए गए हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर जो पुलिस से शिकायत आपसी मारपीट की दी गई है, पुलिस उसको एनालाइज कर रही है। और सदन में हुए हंगामे के बाद जिस तरह से कुछ पार्षदों ने अपनी चोट और नुकसान को दिखाया है, पुलिस हो सकता है इस मामले में जो है वो एफआईआर दर्ज करे। लेकिन फिलहाल एमसीडी का जो सदन है वो पूरी तरह से शांत है। और दर्शकों को यहाँ पर समझ लेना जरूरी है कि ये जो पूरी लड़ाई है वो एमसीडी के सबसे मजबूत बॉडी स्टैंडिंग कमेटी के लिए हो रही है। स्टैंडिंग कमेटी जो है सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और जब चुनाव हुए थे 250 में से 242 पार्षदों ने वोट दिए थे, उसमें उस वक्त तीन तीन पार्षद यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दोनों के जो है स्टैंडिंग काउंसिल में चुने गए थे, लेकिन एक वोट इनवैलिड जो है वो मेयर शैली ओब्राय द्वारा बताया गया। और उसके बाद रिकाउंटिंग की बात कही गई, जिसके बाद निगम सचिव और मेयर में लड़ाई हुई, और उसके बाद ये पूरा विवाद पनपा है। हंगामा सदन के भीतर हुआ है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली वो तस्वीर। गौरव, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट के लिए आपका